Começa na manhã da aqui. जय माता दी। क्या ये भवन हमें दिख चुका हुआ है। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी में भी है। इससे तो हम आए हुए श्री माता वैष्णो धाम, तो यहाँ पे आके आपको बड़ा ही सुकून मिलेगा। जैसे ही आप कटरा के मेन चौक में एंटर होंगे, मेन चौक में एंटर होते सारी यहाँ पे यात्रा पर्ची के लिए रजिस्ट्रेशन होगा, तो रजिस्ट्रेशन पे आपका नाम पूछा जाएगा और एक आपको कार्ड दे दिया जाएगा जो आपको ऊपर तक लेके जाना पड़ेगा। तो ये इनकी सबकी गाइडलाइंस है। अगर आप उसकी बुकिंग कराना चाहते हो तो ये WWW माँ वैष्णो देवी की वेबसाइट है, वहां पे आके आप बुकिंग करा सकते हो। यहाँ पे आओगे तो आपको एक ऐसा कार्ड मिल जाएगा। जय करो माँ वैष्णो देवी का। ए माई मेरी सचिया छोटा वाली माता जी तुम्हारी सदाई है। तो अभी हम लंच के लिए यहाँ पे रुके, लंच करने के लिए आपको यहाँ पे हर तरह का अच्छे से अच्छा रेस्टोरेंट मिल जाएगा। तो हमने अभी जुगलस रेस्टोरेंट में लंच के लिए अप्लाई किया है। लंगर गोलगप्पे का लंगर तो हमारा लंच आ चुका हुआ है। तो लंच में ऑर्डर कीता करे स्पेशल थाली है जी। ओके जी, ये राइस है मिक्स वेज, ये है दाल मखनी, आगे पनीर, रायता, सलाद और खीर। खीर जो सरदार जी खाएंगे नहीं, हम खाएंगे। तो हमारा लंच आ चुका हुआ, लंच तो देखने में काफी डिलीशियस लग रहा है। तो 300 कुछ रुपए की थाली है जिसमें आपको 6 से 7 तरह की अलग अलग तरह की आइटम मिलेगी। तो अभी टेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे पंजाबी यहाँ पे जाते हैं ना, गोलगप्पे को नहीं छोड़ते। तो ये ब्रदर देख लो अभी भी यहाँ पे गोलगप्पे के चुस्कियां ले रहे हैं। चलो बोले शुरू। तो अभी सबके लिए एक एक गोलगप्पा आएगा, हम भी खाएंगे। तो चलो अभी गोलगप्पे खा के आपको आगे मिलते हैं। तो अभी हम ऑटो से उतर चुके हुए हैं। ऑटो का रेंट है 40 रुपए पर सवारी। तो वहां से उतर के हम आ चुके हुए हैं लाइन में लग के मेन भवन की तरफ। तो ये पीछे मेन भवन का नजारा काफी ही अच्छा है। तो अभी यहाँ पे हम हमारी चेकिंग होगी। चेकिंग होने के बाद आगे से हमारा प्लान बना है कि आगे रस्ते तक हम बोड़े पे जाएंगे आदिवारी तक, और उसके बाद हम पैदल जाएंगे। वैष्णो मैया प्रेम से बोलो, अगले भी बोलो, पीछे भी बोलो, पता है जहाँ से केदारनाथ बुलाया होगा वहां पर एडवेंचर तो होगा ही होगा। एक्सपीरियंस हुआ क्या, मेरे पास ना कैमरा था GoPro, वो मैंने पॉकेट में डाला हुआ था। तो पहले उन्होंने वो बाहर निकाल के कहते लोकल रूम में जमा ला गया हूँ। तो आगे मैं लोकल रूम में गया हूँ तो वो 350 में मांग रहे सिर्फ एक कैमरा सबमिट कराने का। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने उसको बैग में डाल दिया, फिर दोबारा से आया तो फिर भैया ने पकड़ लिया। तो उन्होंने बहुत डांट मारी मुझे। तो सभी लोगों ने जहाँ पे किताब में पाया होता है एडवेंचर तो होगा ही होगा। तो फिर मैं दोबारा जब उनसे लोकल रूम में गया हूँ, थोड़ा ऊपर गया हूँ, 150 उन्होंने लिए, तो बहुत ज्यादा आज एडवेंचर हो गया मेरे घर के। एक घंटा पूरा खराब हो चुका हुआ इनका। चलो कोई बात नहीं है, सब कुछ तो मेरी लाइफ में चलता ही रहता है। जो लोग पहली बार आएंगे उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, ये पहला पड़ाव है। यहाँ पे बाणगंगा है, सांझी क्षेत्र के लिए इन्होंने ना एक और पड़ाव बना दिया हुआ है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जो सीजन के टाइम में यहाँ पे रश बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे एक इन्होंने और अपना पड़ाव बना दिया। अगर वो फर्स्ट टाइम आता है, मेरा कहना है नीचे की बजाय ऊपर रहे तो ज्यादा मतलब साफ सुथरा आपको यहाँ पे स्नान करने के लिए मिलेगा। 1 से 1.5 किलोमीटर हम आ चुके हुए हैं। तो यहाँ पे आपको 3 किलोमीटर तक ऐसे ही पूरी मार्केट मिलेगी, और आप कुछ भी यहाँ से कुछ भी चीज परचेज कर सकते हो, जैसे कुछ बैग,
खाने पीने के लिए सामान, दवाइयाँ, उन्हें हर एक चीज़ आप यहाँ परचेज कर सकते हो उनके। और अभी हम चरणता जी का पहुँच चुके हुए हैं, तो अभी हम अंदर तो नहीं जा पाएंगे, पर आप उसे क्लोम्स करते हैं, जब वापसी करेंगे तो आपको यहाँ पे जरूर मैया से मिलवा के जाएंगे। तो ये चरणता जी का स्टोरी आपको हम पहले ही बता चुके हुए हैं, और यहाँ पे खाने पीने के लिए काफी अच्छे अच्छे ब्रांड खुल चुके हुए हैं, आपको मतलब खाने पीने के लिए कोई भी टेंशन नहीं, बड़े रीजनेबल रेट में आपको और कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। और गवर्नमेंट की तरफ से भी यहाँ पे कुछ कैफे खुले हुए हैं, वहाँ पे भी काफी रीजनेबल रेट पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो अभी हमारे सभी हानी मिल चुके हुए हैं, अभी चार पांच बंदे हमारे चार पीछे हैं, तो बीच में हमारा घोड़ा ही चल रहा है, तो जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं वैसे वैसे व्यू काफी अच्छा बढ़ता जा रहा है। तो अभी व्यू आप देखिए, काफी हाइट पे आ चुके हुए हम, लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर का सफर हमने तय कर लिया हुआ है। भैया जैसे जैसे हाइट पे आ रहे हैं ना, ठंड काफी बढ़ती जा रही है, और लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर के लिए आज डिस्टेंस हमने कवर कर लिया हुआ, और ठंड काफी हो गई है। एक्चुअली मैं सिर्फ इमेज के अलावा कुछ भी नहीं लेके आया हूँ, तो किसी ने हमें बताया कि ऊपर रात को जो टेम्परेचर है 5-6-7 तक पहुंच जाता है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो रात को हमारी कुल्फी जमने वाली है। एक्चुअली बात हम 9 बंदे हैं और हमारे पास सिर्फ 6 बेड है, और 3 बंदों का क्या बनेगा अभी कुछ नहीं पता। लगभग अभी हम 4 किलोमीटर आ चुके हुए हैं, तो सिर्फ 1 किलोमीटर यहाँ से रह गया, तो बैठ बैठ गया जिसको बोलते हैं, बस हो चुकी हुई है। तो चलो अभी फाइनली हम जाके थोड़ी सी रिलैक्स करेंगे, अभी 2-3 मेंबर हमसे आ गए, बाकी सभी हमसे पीछे हैं। ये हमारी सारी मंडली आ चुकी हुई है, और सबकी हालत इस वक्त बुरे हाल हुए बड़े हैं। सर की बोलना चाहोगे? सर बहुत मजा आया वा, पर घोड़े के आगे बस हो जाती है। देखो अगर परमात्मा ने चाहे थाईलैंड जावांगे। बहुत हो दी है, बहुत हो दिया, मजा आ गया, मजा आ रहा है। तो एक्चुअली बात हुआ क्या है, हमारे कुछ साथी ना पीछे रह चुके हुए हैं, उसमें से एक लड़का ऐसा जो पहली बार आया है, थोड़ी सी टेंशन हमें हो रही है। हम आगे आ चुके हैं, यहाँ से ऑटो मिलता है, यहाँ पे 354 रुपए है एक साइड का। एक्चुअली बात होता क्या, हम लाइन में लगे हुए हैं, इनके कोई जो पैसेंजर नहीं आता उसकी सीट बची जाती है, तो उसके बदले में जो ऑफलाइन खड़े होते हैं उनको सीट प्रोवाइड हो जाती है, तो इसलिए हम यहाँ पे लाइन में है। अभी देखते हैं हमारी किस्मत अच्छी होती है या यहाँ भी हमारे साथ एडवेंचर ही होता है, हमें सीट मिल पाती है कि नहीं मिल पाती। तो अभी हमने कुछ मेंबर्स ने ना एक डिसीजन लिया है कि हम जो आगे का 5 किलोमीटर पैदल ही सफर करेंगे, कैसा लग रहा है आपको? माँ की कृपा है जी, माँ की शक्ति है, सब ठीक होगा उसकी शक्ति से, उसकी कृपा से। की लग रहा हम किसी चल पाएंगे? बिल्कुल चढ़ पावांगे जी, माँ साढ़े नाल है। हो चुके हैं, बुरा हाल है, हुण समझ नहीं आंदी भी इन्हां नूं किवें उठा के लेके जाना। चलो सर उठियो, गड्डी हाईजैक करनी है, गड्डी हाईजैक नहीं होनी है, तुहानूं हाईजैक करके लेके जाना मैंने थल्ले लगा। तो सरदारियों का जोश देख के ना हमें भी काफी उत्साह है। कुछ सब्सक्राइबर हमें मिले हैं, ग्वालियर ग्रामीण से आए हैं विधानसभा से, और माननीय मंत्री भारत सिंह कुशवाहा जी के सहयोग से लगभग अभी तक 1500 यात्रियों को यात्रा करा चुके हैं। हाँ, माननीय मंत्री भारत सिंह कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत सिंह कुशवाहा जिंदाबाद। बिल्कुल सब कुछ 100% मोदी के सामने कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। बिल्कुल जो है इंडिया गठबंधन बना उसको, ये तो ठगबंधन है साहब, गठबंधन नहीं है ठगबंधन है। एक शेर को रोकने के लिए 1000 भेड़ियों के 1 रुपए, 1000 भेड़ियों तो आप भेड़ियों की बेइज्जती करो जीते हो। और मोदी जी आना चाहिए, और मोदी आएगा, मोदी के आने से आज हमें एक स्वस्थ सांस लेने की तरफ है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आज से पहले जब मनमोहन सिंह जी थे
तो ये पता नहीं चलता था कि भाई नील के कुछ बोलते हैं या कुछ, ये बोलते भी नहीं है। आज नल नाली जल की व्यवस्था से आगे उठ के देश अपना देश आगे है ना सर्वोपरि है। आज देखो नई अपनी को बनी पार्लियामेंट, और ऐसा भी नहीं है पुरानी पार्लियामेंट को भी संसद सदन के रूप से उन्हें एक सम्मानित करने का काम किया है। जय माता दी, जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री राम। देखो भाई बड़े उदास जो होते हैं, मैंने पता नहीं लगता किस किस खुशी में जो हो रहे हैं, किसी गमी जो हो रही है, खुशी भी जो हो रही है, गमी भी जो हो रही है। यहाँ पे जगह जगह इंडिकेशन दी हुई है कि यहाँ पे पत्थर गिरने की भावना है, तो प्लीज यहाँ पे मत बैठे। अगर कुछ ऐसा आपको यहाँ पे दिखता है तो प्लीज उस गाइडलाइंस को आप फॉलो करें, नहीं तो कुछ भी आपके साथ अनहोनी हो सकती है। क्या एनर्जी है यार, जय माता दी, 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 फाइनली हम मनोकामना भवन पहुंच चुके हुए हैं, तो काफ़ी रिलीफ मिल रहा है। अभी थोड़ा टाइम होगा, अगर हम चलते ना तो हमारी लेग्स ने जवाब दे दिया। मैं बड़ा फिलहाल तो थकावट महसूस हो रही है, लेकिन इतनी थकावट महसूस नहीं हो रही, जितने माँ वैष्णो देवी पहुँच के बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं। तो ट्रैक कैसा था रिया थोड़ा? बहुत वधिया रहा, माँ भाई कृपा के नाल बहुत वधिया अच्छा। ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਏਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਣ। ਮਾਂ ਮਾਈ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਮ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਆਪਣਾ ਭਵਨ ਮੇਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੋ ਆਪਕੋ ਆਪਣਾ ਰੂਮ ਦਿਖਾਤਾ ਹੂੰ। ਤੋ ਯੇ ਹਮਾਰਾ ਰੂਮ ਹੈ, ਤੋ ਯੇ ਹਮੇਂ ਸੀਟੇਂ ਲੋਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੋ ਵੀ ਰਾਤ ਹਮਾਰੀ ਯਹੀਂ ਤੇ ਕਟੇਗੀ। ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਆਪ ਕਿਆ ਬਾਤ, ਆਪ ਯੂਟਿਊਬ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈਂ, ਆਪ ਕੀ ਆਪ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ तो लगभग बच चुके हुए हैं 10, तो अभी हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। एक्चुअली ठंड बहुत ज़्यादा है, तो अभी हमारे कुछ मेंबर्स ने तो स्वेटशर्ट भी डाली हुई है, तो तुसी स्वेटशर्ट पा लगे हो जी? हाँ जी। तो अभी हम देखते हैं कुछ स्वेटशर्ट डालते हैं कि नहीं डालते हैं, तो चलो अभी दर्शन करके आते हैं, तो आगे की अपडेट आपको बाद में देते हैं। गुड मॉर्निंग, टाइम हो चुके हैं सुबह के 7, और अभी क्या प्लान है, हम जा रहे हैं भैरव बाबा। तो रात को तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ, पता ही नहीं लगा हम कहाँ पे सोए कहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा टायर्ड हुए पड़े थे। तो मैं सुबह 4 बजे उठ के एक बार दर्शन कराया हूँ नहा धो के, तो काफ़ी मज़ा आया वहाँ पे, तो बिल्कुल भी रश नहीं मिला, लगभग 10 से 15 मिनट वहाँ पे हमने अच्छे से दर्शन किए। आपको अपना रूम दिखाते हैं जहाँ पर हम रात को सोए। तो ये हमारा रूम है, यहाँ पे हम सोए, तो काफ़ी ही मज़ा आया, ठंड भी लगी, और हमने तो 2-2 कंबल लिए हुए थे, बट फिर भी यार वर्थ इट है। यहाँ पे अगर आते हो ऐसी लोकेशन में, और पैसे भी नहीं ज़्यादा लगते, और अच्छी आपको सुविधा भी मिल जाती है। तो अभी हम लाइन में लगे हुए हैं, तो काफ़ी रश है यहाँ पे, लगभग काफ़ी पीछे तक लाइन थी, तो हमने शॉर्टकट मार दिया, तो लाइन के अंदर लगे लगभग, फिर भी हमें 1/2 घंटा हो गया लाइन में लगे हुए। तो अभी देखते हैं हमारा और कितना टाइम लगता है। हमारे साथी सभी मुकर के वो कहते हैं हम भैरव जाएंगे नहीं, बट हम तो भैरव के भगत हैं, तो इसलिए हम भैरव के लिए जा रहे हैं। तो अगर आप भी आते हो तो बिना भैरव गए आपकी यात्रा पूरी नहीं होगी, तो आप भैरव बाबा ज़रूर आएँ। तो यहाँ पर भैरव बाबा के लिए आने के लिए जो बैटरी कार है उसका 100 रुपया टिकट है, तो वो अप डाउन के लिए है, आपको ऊपर लेके भी जाएगी और नीचे छोड़ के भी जाएगी। और यहाँ से भवन का नज़ारा देखते ही बन रहा है, काफ़ी ही सुंदर लग रहा है भवन का नज़ारा। मौसम काफ़ी ही ठंडा हुआ पड़ा इस वक्त, तो हमने इनर उनर डाला हुआ है, तो चलो आप भी यहाँ पे आए तो गर्म कपड़े साथ में जरूर लेके आए। बस अब एक प्रोसेस रह गया, अभी हम उड़न बटोले में बैठेंगे, हमारे से आए हुए लगभग 200-300 बंदा है, तो उनको कवर करके में जाएंगे, आपको उड़न बटोले का एक अच्छा सा नजारा दिखाएंगे।
तो अभी हमने एक डिसीजन लिया कि अभी हम ना सर्कल पूरा करके ही आगे जाएंगे, क्योंकि जिस रास्ते से हम आए थे उस रास्ते से हम दोबारा जाना नहीं चाहते। तो इसलिए पूरा सर्कल मारेंगे यहाँ से सांझी से सांझी से हाथी मत्ता होते हुए आठवाड़ी होते हुए हम पूरा सर्कल मार के जाएंगे, जो से 3 किलोमीटर में एक्स्ट्रा दूर पड़ेगा। फाइनली हमने कर दिखाया, हमने भैरव बाबा जी दर्शन कर लिए, अभी काफी सुकून मिल रहा है। तो अभी हम ये कह नहीं सकते कि हम पूरा सर्कट मार के लिए या किसी कोई चीज मिस की है। तो कितनी ज्यादा सुकून मिल रहा है यहाँ पे, त्रिकुट श्रृंखला सारी दिख रही है और कितना ही यहाँ पे शांति है। अभी वहाँ पे ट्रैक जाता है त्रिकुट श्रृंखला पे, अगर कभी हो सका तो वो ट्रैक जरूर करके आएंगे। तो अभी भैरव बाबा से हम निकल चुके हैं, लगभग हमें यहाँ पे लगा 1.5 घंटा नीचे से लेके ऊपर की जितनी भी लाइनें लगी, लगभग 1.5 घंटे के अंदर हमने सब कुछ कवर कर लिया। तो 1.5 घंटा कुछ ज्यादा नहीं है मेरे हिसाब से। तो अभी हम पूरा सर्किट करके जाएंगे, अब हम जाएंगे यहाँ से सांझीजत यादगुआड़ी होते हुए नीचे कटरा पहुंचेंगे। 9 बज चुके हैं, हमारा मकसद है 11 बजे तक हम नीचे कटरा में हों। तो उसके लिए हमें भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, जीतना भी पड़ेगा, उठना भी पड़ेगा। तो अभी यही सोचा है कि एक रिकॉर्ड बनाना है कि भैरव बाबा से कटरा तक हम कब तक पहुंच सकते हैं। व्हाट व्यू, क्या जबरदस्त व्यू है यहाँ से, मतलब पूरे पहाड़ दिख रहे हैं। अब जम्मू भी है, कटरा भी है, क्या क्या आई डोंट नो, बट क्या नजारे है यार, क्या जन्नत में हम आए हुए हैं। मैक्सिमम 15 मिनट लगे हुए, हम लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। इस वक्त हम आ चुके हैं सांझी छत। तो अब यहाँ से आपको काफी तरह के लंगूर मिलेंगे। तो कहाँ पे यहाँ पे काफी बंदर है, धूप भी निकल चुकी है, सनराइज भी हो चुका हुआ है और यहाँ से जो नजारा है यहाँ से भी नजारा बड़ा ही ऑसम है। तो अभी बस यहाँ पे 5-7 मिनट रुकेंगे, थोड़ी बहुत फोटो क्लिक कराएंगे। टाइम हो चुका हुआ है 9:30 और लगभग हम 4.5 किलोमीटर कवर कर चुके हैं सिर्फ 1/2 घंटे में। हाँ वेल डन भैया, वेल डन वरुण अपना। अभी बिल्कुल भी इस रोड पे ना हमें क्राउड नहीं दिख रहा, बिल्कुल भी रेशन दिख रहा, कोई रोड खच्चर में कोई कुछ नहीं। तो बड़ी आराम से बड़ी तेजी के साथ हम यही कवर कर पा रहे हैं। तो लग रहा है कि मुझे वो फ्लोर कवर करके नीचे आदमी तक तो एटलीस्ट पहुंच ही जाएंगे। सुबह सुबह का टाइम है, जिन्होंने भी यात्रा शुरू की है वो अभी तक आदमी तक ही पहुंचे होंगे। ये अभी स्टेयर्स का रास्ता है, अभी इसको हम अवॉइड कर रहे हैं। अभी जब तक हम इस पूरे रास्ते से जा पाएंगे, अगर लगेगा कि नहीं जा पाएंगे फिर हम स्टेयर्स यूज करेंगे। अगर हम स्टेयर्स यूज करेंगे तो हमें पता है कि ज्यादा से ज्यादा 1/2 घंटे में यहाँ से हम कटरा पहुंच जाएंगे, क्योंकि स्टेयर्स पे जो मेरी स्पीड है काफी तेज है। आदगुआड़ी पहुंच चुके हुए हैं हम और यहाँ पे भी काफी रश है। अभी यहाँ पे तो कभी दर्शन करने का मौका मिला नहीं है, बट चलो कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो ऐसा मौका मिलेगा कि यहाँ पे भी हम दर्शन करेंगे। तो भैया ने हमारी हेल्प कर दी है मैगडी का ऑर्डर देने के लिए, तो हमने मील लिया 115 रुपए का, वही रेट है, कोई रेट में फर्क नहीं है। थैंक यू भैया, थैंक यू। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमें माता वैष्णो देवी कटरा पे मैगडी का बर्गर खाने को मिल जाएगा, वो भी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में। तो अभी हमने डिसीजन लिया कि हम अब स्टेज से सारी यात्रा करेंगे आदिद्वारी से कटरा के लिए, क्योंकि दिक्कत ये है कि अभी यहाँ पे घोड़े बहुत ज्यादा है, घोड़े के चलते करके ना मतलब प्रॉपर जगह नहीं मिल पाएगी हमें। तो 165 स्टेयर्स है, तो 165 स्टेयर्स तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। आपको हमारी स्पीड देखिए, स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज है हमारी स्टेयर्स पे। लोग एक एक कदम रखते हैं और हम जब तक वो एक कदम रखते हैं तक 15-20 स्टेयर्स पार कर लेते हैं। 165 वाली हमने पार कर ली है, 115 वाली अब करने लगे हैं। 10:30 बजे हमने शुरू किया है आठवारी से, देखते हैं हम नीचे कितनी देर में पहुंचते। मुझे लग रहा है बस ज्यादा 20-25 मिनट ही लगेंगे हमें नीचे तक पहुंचने में। तीसरी स्टेज है 271, अभी ये कवर करेंगे। लगभग हमने 1 मिनट में टोटल 450 स्टेज 1 मिनट में हमने उतर ली। वो हमने हर बार की तरह अपना नियम कर दिया, यहाँ पे आगे कंजकों को हमने कंजकें बांटती। आप भी यहाँ पे आए तो ये भैया को देख लें, यहाँ पे आके कंजकें दे दें। और ये बोली जी
सबसे पहले इन्हों को ही हमने बांटनी शुरू की थी जब इससे भी छोटी थी, बिल्कुल छोटी सी थी ना, बिल्कुल छोटी सी थी। तो तब से हम इनकी दुकान पे आ रहे हैं और अपना सबको कनिके बांट रहे हैं। फाइनली हम लास्ट स्टेप क्लियर कर दिया हमने और लगभग 11:10 पे हम बाणगंगा में पहुंच चुके हुए हैं। वाओ यार अमेजिंग व्यू, अमेजिंग है क्योंकि हम वहाँ से 9:30 निकले थे आई थिंक और 11:00 हम नीचे हैं लगभग 1.5 घंटे के अंदर। ये तो सल्यूट बनता है। तो लगभग 11:30 हो चुके हैं और अंकित बाबू हमें मिल चुके हुए हैं, बाकियों का अता पता नहीं कितने अंकित बाकी बाल गंगा तो पिछे ही है। 11:30 हो चुके हैं, जो आओगे फिर तुम टाइमिंग दसागे किन्ने बजे आए ने तो सू कि वेट करनी पी है। जो नैस तो अगला की प्लान है, इससे आगे बस शॉपिंग करनी है, कटरा में शॉपिंग करेंगे, प्रसाद लेंगे, बस उसके बाद फिर हम जम्मू के लिए जाएंगे। जम्मू वहाँ का फेमस कराड़ी कुलचा वो खाएंगे, राजमा चावल देसी घी वाले वो खाएंगे, उसके बाद प्लान आगे का। ओके तो उस बैक टू जाना बिल्कुल। चलो रात लगता पे सू 11:12 तो पहले आप पहुँचने वाले नहीं है। चलो बाकी देखते दे अगे कि जिमें कोई प्लान बनता रहेगा तो आप दसते रहे। 15 मिनट के डिले के बाद सारे मेंबर हमारे आ चुके हैं। पे है कोई पेंडिंग? अभी भी 4 पेंडिंग हो रहे हैं, अभी भी 3 मेंबर अभी भी हमारे पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो कितना रहा एक्सपीरियंस वाला? एक्सपीरियंस कितना रहा? माँ ने बहुत कृपा की, बस पूछे साथी तो खा गए कह कह के वीआईपी कराते बस यार। फिर साड़ी माँ साडे नाल सी, इसका के सानू कोई फिक्र नहीं सी। 10 किलोमीटर पैदल तुम्हें किता है ओना किए लगे यार? 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर गए, 5 किलोमीटर है की हो गया क्यों? ओ थोड़ी गिनती जाना है, कल जाते अद कुरी तो आज 10 किलोमीटर ही कहना मैं, साइड पूरी होगी 10 किलोमीटर तुम पैदल गए हो, 9 किलोमीटर टोटल है यार, एना कटाओ आज सैटरडे। और आप भीड़ का अंदाजा लगा लीजिए कितनी भीड़ है, कितनी लंबी लाइन लगी हुई, लगभग 0.5 से 1 किलोमीटर के बीच में इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो अच्छा हुआ कि हम कल ही जाके दर्शन कराए, अगर आज हम आते तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था इतनी लंबी लंबी लाइनें देख के। चलो माता रानी ने जो भी किया हमारे साथ काफ़ी अच्छा किया, काफ़ी मज़ेदार पल थे, काफ़ी मज़ा आया हमें। माता वैष्णो देवी ट्रिप से आगे वाले ही मज़ा आ गया सानू, तो हूँ बस इस ट्रिप के इतने एंड हो गया, हमने सब जा रहे हैं तो जम्मू जम्मू तो अपन लुधियाने। तो बस प्लीज़ मेरे चैनल लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए जी, सू लग ही रहा होना है। ओके टाटा बाय बाय।